हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है एग्जाम मंत्रा की यूट्यूब चैनल पर। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और इस सेशन में हम बात करेंगे प्रोनाउन की, प्रोनाउन पर बेस्ड क्वेश्चंस की। और आप लोग ध्यान से देखेंगे, इन क्वेश्चंस के आंसर करने का भी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। और पहला क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कह रहा है द वर्ल्ड। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो ये क्वेश्चन क्या लिख रहा है, द वर्ड दैट इंडिकेट्स नाउन इज कॉल्ड। एक ऐसा वर्ड जो नाउन को इंडिकेट करे उसे हम क्या कहते हैं सर, उसको हम कहते हैं प्रोनाउन। ठीक है, नाउन क्या होता है सर, ये नेमिंग वर्ड्स होता है। पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब भी हम नेम की बात करते हैं, वो किसी का भी नेम हो, किसी फीलिंग्स का, इमोशंस का, एक्शंस का, मटेरियल का, मैटर का, नॉन मैटर का, ठीक है, तो वो सभी के सभी हमारे क्या होते हैं, नाउन्स होते हैं। जो भी चीजें हमें दिखाई देती है, सुनाई देती है, महसूस होती है, उनको एक नेम दे सकते हो, नेम दे सकते हो तो नाउन है। जब भी नाउन को रिप्लेस करना होता है तो वो काम किसका होता है, प्रोनाउन का। इसका मतलब ये एक ऐसा वर्ड होता है जो क्या करता है सर, ये रिप्रेजेंट करता है। और किसको रिप्रेजेंट करता है, नाउन को इनडायरेक्टली। और ये पॉइंट भी आपको आगे हेल्प करेगा। ठीक है, एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो सर नाउन को क्वालिफाई करता है, प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। एक ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे उसे बोलते हैं एडजेक्टिव। और एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो सर वर्ब को क्वालिफाई करता है, इसके अलावा एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, और इसी तरीके से खुद को भी क्वालिफाई करता है। तो आपसे पूछा जाए कि एक वर्ड जो नेम को बताए, नेमिंग वर्ड्स को बताए नाउन, एक ऐसा वर्ड जो क्या करे, किसी नाउन को रिप्रेजेंट करे प्रोनाउन, एक ऐसा वर्ड जो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करे एडजेक्टिव, एक ऐसा वर्ड जो वर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे एडवर्ब। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी प्रोनाउन। ठीक है, फॉर द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। पर्सनल प्रोनाउन आर, पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, देखिए मैंने आपको पढ़ाया था कि पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं उन्हें हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन तीन तरीके से कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं गाइज हमारे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, एक होते हैं हमारे सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन, और एक होते हैं हमारे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। यू नो वेरी वेल, फर्स्ट पर्सन के स्पीकर होते हैं, सेकंड पर्सन के लिसनर होते हैं, थर्ड पर्सन जिनके बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट पर्सन में कहे जाते हैं आई और वी, सेकंड पर्सन में आता है सर यू, और थर्ड पर्सन में आता है हमारा ही, सी, इट और दे। ठीक है, तो ये हमारे प्रोनाउन आते हैं और इन्हीं को हम बोलते हैं, इन सभी को मिला करके क्या बोल देते हैं सर, कि ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। तो आपसे पूछा जाए पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, तो जो भी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, उन सभी को सामूहिक रूप से हम पर्सनल प्रोनाउन का नाम देते हैं। तो ही भी पर्सनल प्रोनाउन है, दे भी है, वी भी है, ये थर्ड पर्सन के दोनों है, ये फर्स्ट पर्सन का, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, गॉट इट। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं, पजेसिव प्रोनाउन इज नॉट, इनमें से कौन सा पजेसिव प्रोनाउन नहीं है। और देखो मैं लगातार बताता हूँ, आप भी लिख करके कोशिश किया करो। जैसे ये पर्सनल प्रोनाउन लिख लिया आपने, आई है, वी है, यू है, ही है, सी है, इट है, दे है, ये हमने प्रोनाउन लिख लिए। अब आपको इनको क्या लिखने है, कह रहा है पजेसिव लिखने है, तो पजेसिव लिखो जरा। इसका आई का क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा, माइन हो जाएगा, याद है ये डिस्कस किए थे हम लोग। इसी तरीके वी का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, आर्स हो जाएगा। इसी तरीके यू का क्या हो जाएगा, योर हो जाएगा, योर्स हो जाएगा। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से बनते हुए चले जाएंगे। ही का क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके सी का क्या हो जाएगा सर, हर हो जाएगा, हर्स हो जाएगा। इट का क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा। और दे का इसी तरीके से अगर हम बनाएं तो देयर और देयर्स हो जाएगा, THEIRS। ठीक है, तो ये हमारे कौन से प्रोनाउन हो गए सर, ये हो गए हमारे पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन जो पजेशन को बताते हैं उन्हें पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन के अपने खुद के पजेसिव होते हैं। ठीक है, आप इनको भी अगर कैटेगराइज करना पड़े तो सर ये ध्यान रखना, ये पजेसिव एडजेक्टिव होंगे, और सर जो बाद वाले हैं इनको क्या बोलेंगे, पजेसिव प्रोनाउन बोलेंगे। ठीक है, सामूहिक रूप से इनको हम पजेसिव प्रोनाउन का नाम दे देते हैं। सामूहिक रूप से हम इनको किनका नाम दे देते हैं, पूरे को पजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। लेकिन फर्दर अगर कभी कैटेगराइज करने की बात कहे तो आप फिर इनको इस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हो। ठीक है, हाँ गुड, बिल्कुल आंसर आप
करते रहें, ठीक है, सभी क्वेश्चंस के, और जहां पर भी गड़बड़ होगी तो मैं आपको बताता चलूंगा, मदद करता चलूंगा। फिलहाल आप अपने एंड से कोशिश ना छोड़ें। तो देखिए, तो आई का पजेसिव प्रोनाउन माई होता है, ये पजेसिव प्रोनाउन है। वी का आर्स होता है, ठीक है। आई सब्जेक्टिव प्रोनाउन है और पजेसिव प्रोनाउन इज नॉट, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर या तो इसको देयर लिख लो, ठीक है, इसके इसकी जगह लिख लेते हैं देयर, THEIR, तो ये भी पजेसिव हो जाएगा। तो ये वाला पजेसिव प्रोनाउन आपका नहीं है। ये कौन सा प्रोनाउन है? सर ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ये जितने लिखे हैं ये कौन से प्रोनाउन है हमारे? सब्जेक्टिव, ठीक है, गॉट इट। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। आंसर बताइए गाइस, अगर आप लोग बता सकते हैं तो सर एक बार कोशिश करेंगे आप लोग भी। और सेशन को अभी तक अगर आपने शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कह रहा है दिस इज अ काइंड ऑफ प्रोनाउन, दिस किस तरीके का प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ऑल ऑफ द अबव, सभी के सभी है, ठीक है। तो देखो पर्सनल प्रोनाउन तो अभी आपने सीखा, आई है, वी है, यू है, दे है, ये सभी हमारे क्या होते हैं गाइज? ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सभी हमारे क्या होते हैं? ये सभी के सभी हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। चलिए ये बात समझ आ रही है मेरे ख्याल से, यहां तक कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम चलते आगे, इसी बात को आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनमें से बाकी चीजें पूछ रहा है, बाकी चीजें क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन से पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन तो हमने समझ लिया। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की अगर हम गाइज बात करें तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं जो हमारे सेल्फ से बनते हैं, ऐसे ही एल्फ से बनते हैं, ठीक है। इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि ऐसे प्रोनाउन जो सेल्फ से बनते हैं उनको हम बोलते हैं कौन से? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। तो हमने दूसरा वाला पॉइंट निकाला कि यहाँ पर ऐसे प्रोनाउन जिनके साथ सेल्फ लगा हो उनको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आप अच्छी तरीके से जानते हो, ठीक है, ये चार ही होते हैं नंबर में। चार कौन कौन से होते हैं? दिस है, दैट है, दीज है, एंड दोज है। तो ये कौन से होते हैं? ये हमारे होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो गाइज ये आपको यहाँ पर पूछ रहा था दिस कैसा प्रोनाउन है, तो दिस हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। हालांकि ये जो चारों होते हैं इनको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं, और ये मैंने कॉन्सेप्ट के अंदर आपको पढ़ाया था कि किस तरीके से आप करेंगे, ठीक है, दोनों में डिफ्रेंशिएट करना बताया था। कब ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, कब ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, गॉट इट। चलो समझ आ रही बात भाई, एक बार थम्स अप करके बताइए आप लोग, चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। कह रहा है देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। अब मैंने कहा था इसी वजह से प्रोनाउन के जितने टाइप हैं आप उनको अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो सारे के सारे क्वेश्चंस बड़े आसानी से आप कर लेंगे। कह रहा था प्रोनाउंस, ऐसे प्रोनाउन विच आर यूज, जिनका यूज करते हैं टू रिफर म्यूचुअल रिलेशनशिप। तो ऐसे प्रोनाउन जो म्यूचुअल रिलेशनशिप को शो करते हैं उन प्रोनाउंस को हम क्या कहते हैं? सर ये कह रहा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, नदीब इनमें से कोई नहीं। तो पहले तो इनको समझते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो कि कोई इंट्रोगेटिव क्वेश्चन जनरेट करेंगे, ठीक है, यू नो वेरी वेल। डेमोन्स्ट्रेटिव जो डेमोन्स्ट्रेट करे, डेमोन्स्ट्रेट करने का मतलब होता है सर इशारा करके बताना, इंडिकेट करना, है ना। तो जैसे अभी हमने पढ़ा था दिस दैट दिस दोस, ठीक है, दिस इज माई बुक, दैट इज योर हाउस, इस तरीके से आप बोलते हो। रेसिप्रोकल प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो म्यूचुअल रिलेशनशिप को दिखाते हैं। इनमें से दो ही प्रोनाउन ऐसे होते हैं जिनको हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं, सॉरी रेसिप्रोकल प्रोनाउन बोलते हैं। उनमें से एक होता है सर हमारा ईच अदर और दूसरा होता है सर हमारा वन अनदर। तो दो हमारे होते हैं, एक ईच अदर और सेकंड होता है हमारा वन अनदर। तो दो प्रोनाउन हमारे ऐसे हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। ईच अदर अलग अलग है, इसको समझ लीजिएगा। चलिए मैं फिर से लिख देता हूँ इसको। एक है हमारा सर कौन सा? ईच अदर। और दूसरा हमारा कौन सा है सर? वन अनदर, ठीक है, गॉट इट। चलो दोनों बातें क्लियर हो गई। तो राइट आंसर विल बी रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। चलिए आप अपने टाइम पर आ जाए करिए, ठीक है, आपकी क्लास का टाइम पता है आपको, 10 PM पे जैसे पहले था एज यूजुअल आपकी क्लास चलेगी। इसी में अभी नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा आपके प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस और बेहतर हो सके। जो भी बच्चे सुपर टेट और यूपी टेट का
एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बेहतर से बेहतर चीजें दे सकूं, प्रोवाइड कर सकूं, इसलिए आप लगातार इन सेशंस को अटेंड करते रहे। इसके पहले कई क्लासेस हो चुकी हैं, जो बच्चे नहीं अटेंड किए हैं वो उन क्लासेस को भी देख सकते हैं। चलिए चलते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 6 पर। एक बार जरा कोशिश करिएगा खुद से कि वर्ब का जो वर्ब है वो आती है भाई कहाँ आती है, ये आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, बिफोर सब्जेक्टिव केस, ठीक है, आफ्टर सब्जेक्टिव केस, बिफोर ऑब्जेक्टिव केस और आफ्टर ऑब्जेक्टिव केस। तो वर्ब का यूज कहाँ करते हो आप? ठीक है, तो देखो नॉर्मली कोई सेंटेंस हम लिखते हैं तो सर यहाँ पर हम लिखते हैं सब्जेक्ट, इसके बाद क्या लिखते हैं वर्ब, और इसके बाद क्या लिखते हैं सर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के रूप में जो केस लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं सर? इसी को बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। इसी को क्या कहते हैं सर? इसी को बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। जो ऑब्जेक्ट के रूप में केस लिखा जाता है सर इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, गॉट इट? दोनों बातें समझ आ रही होंगी आपको, ये सब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस। अब कह रहा है अगर वर्ब से पहले पूछे कि वर्ब के पहले कौन से केस, तो सब्जेक्टिव, और वर्ब के बाद पूछे इन जनरल तो ऑब्जेक्टिव। तो कह रहा है वर्ब जो है वो आती है कहाँ आती है? आफ्टर सब्जेक्टिव केस, बिफोर ऑब्जेक्टिव केस। अब देखो आफ्टर सब्जेक्टिव केस, ठीक है, और बिफोर ऑब्जेक्टिव केस, हालांकि दोनों दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब नॉर्मली हम जो पहले वाला टर्म ज्यादा अच्छा होगा यहाँ पर, ठीक है, कि आफ्टर सब्जेक्टिव केस ये ज्यादा बेहतर है उसके पीछे, हालांकि करेक्ट दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल राइट आंसर यहाँ पर आप करेंगे पार्ट नंबर कौन सा? बी। ठीक है, पार्ट नंबर कौन सा करेंगे यहाँ पर? बी। ठीक है, चलिए गॉट इट। अगले वाले पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं हम लोग। इट इज यूज्ड इन द केस ऑफ, इट का यूज हम कहाँ करते हैं ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखेंगे इसको जरा समझेंगे आप लोग, इट का यूज कहाँ करते हैं, किन किन सिचुएशन में हम लोग करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। ठीक है, 7 में जरा ध्यान से देखेंगे आप लोग तो इट कहाँ कहाँ यूज करते हैं ये बताने की कोशिश करेंगे आप। कह रहे हैं वेदर को बताने के लिए, टाइम को बताने के लिए, सीजन को बताने के लिए, ऑल ऑफ दीज, सभी के लिए। ठीक है, तो अब आप इसको ध्यान देंगे तो इट हम देखो किस किस केस में यूज करते हैं, पहले तो इस बात को समझ लो। सर ये हमें बताता है टाइम, ठीक है, बिल्कुल सही है। सर ये यूज करते हैं हम एनिमल के लिए, बिल्कुल सही है सर। ये बताता है हमें वेदर, ठीक है, बिल्कुल सही है, सीजन या वेदर को बताता है। सर ये बताता है इसके अलावा किसी इवेंट को, ये बात भी बिल्कुल सही है। इसके अलावा ये बताता है डे, डेट को, डे को, डेट को, इनको भी एक्सप्रेस करते हैं इसी के माध्यम से। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम बात करें इट की तो इसका यूज करते हैं हम सर नॉन लिविंग थिंग के साथ, नॉन लिविंग थिंग के साथ। तो ये इतनी बातें आपको यहाँ पर इट से रिलेटेड ध्यान रखनी है। ठीक है, समझ आ गई होगी बात, तो यहाँ पर सही है, वेदर भी सही है, टाइम भी सही है, सीजन भी सही है, तो ऑल ऑफ दीज राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। यू इज द टाइप ऑफ पर्सन, भाई अभी पीछे पढ़ाया मैंने आपको, ठीक है, और कॉन्सेप्ट में भी सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये किस पर्सन का प्रोनाउन है सर? सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। तो ये तो बिल्कुल हलवा वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 पे आपसे पूछने की क्या कोशिश कर रहा है कि सर कह रहा है आई विल डिस्ट्रॉय, पहले इस चीज को ध्यान से देखिएगा, सेंटेंस आई विल डिस्ट्रॉय माई सेल्फ, मैं अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लूंगा, डिनोट्स द टाइप ऑफ प्रोनाउन, किस तरीके के प्रोनाउन को डिनोट करता है। और यहाँ पर इसको अंडरलाइन करना चाहिए था माई सेल्फ को, और इसको पूछ रहा है ये किस तरीके के प्रोनाउन को डिनोट करता है, पर्सनल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, नन ऑफ द एबव। तो आप एक बात ध्यान देंगे, मैंने कहा था कि जब भी हम सेल्फ से रिलेटेड कोई भी प्रोनाउन लिखते हैं तो या तो वो सर इम्फेटिक होता है, ठीक है, या तो वो इम्फेटिक होता है, और या फिर वो कौन सा होता है? रिफ्लेक्सिव होता है। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, और आप बड़े आसानी से उसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो देखो जैसे मैंने लिखा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की जगह पर मैंने कोई सेल्फ वाला वर्ड यूज कर लिया, या फिर मैंने लिखा सब्जेक्ट, सेल्फ, वर्ब, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर कहीं पर सेल्फ वाला वर्ड ऑब्जेक्ट की जगह लिखा गया है तो इसको आप रिफ्लेक्सिव मान करके चले, ठीक है, और कहीं पर सब्जेक्ट के बाद वर्ब से पहले सेल्फ वाला वर्ड यूज किया गया है तो इसको आप इम्फेटिक मान करके चले। बाकी डिटेल में मैंने आपके साथ कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया हुआ है, बहुत ज्यादा डिटेल अगर आपको इसमें जाननी है तो।
तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो माइसेल्फ जो है ये डिस्ट्रॉय के बाद है, मतलब ऑब्जेक्ट की जगह है, चूंकि ऑब्जेक्ट की जगह है तो ये सही आंसर कौन सा होगा हमारा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर इसी क्वेश्चन को मैं लिखता आई माइसेल्फ विल डिस्ट्रॉय, तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाता फिर ये कौन सा, इम्फैटिक, जो कि ऑप्शन में है नहीं, तो आप बड़े आसानी से बता दोगे। रेसिप्रोकल सर अभी पढ़े थे, ईच अदर वन अनदर, दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन बोलते हैं। और पर्सनल प्रोनाउन आप जानते हो, ही सी इट आई वी यू दे, ये सभी पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। तो राइट आंसर विल बी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, गॉट इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, दैट कैन बी यूज्ड फॉर, दैट का यूज किसके लिए करते हो, ठीक है, ये यहाँ पर पूछने की कोशिश कर रहे हैं आपसे कि लिविंग नॉन लिविंग के लिए, ठीक है, दोनों के लिए लगाते हो, ओनली लिविंग के लिए, ओनली नॉन लिविंग के लिए, ठीक है, नन ऑफ द अबव, किसी के लिए भी नहीं, ठीक है। तो देखो आप ये बात जानते हो कि विच का यूज करते हैं सर, नॉन लिविंग थिंग के लिए, ठीक है, इसका यूज करते हैं सर किसके लिए, नॉन लिविंग के लिए, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना है। इसी तरीके से अगर हम बात करें हु का, हु है, हुम है, हुज है, ठीक है, इनका हम यूज किसके लिए करते हैं, इसका यूज करते हैं हम सर लिविंग के लिए। अभी मैं थोड़ा सा क्वेश्चन के, ये पहली वाली सीटें जो मैं करा रहा हूँ सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की, वो बिल्कुल नॉर्मल सीटें हैं, ठीक है, कि जो बच्चे बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते हैं उनकी भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा जो सीटें होंगी और अच्छे लेवल की होंगी, क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा और अच्छा होगा रादर देन दीज सीट्स, इन सीट्स की अपेक्षा। चलिए इसके अलावा अगर हम बात करें दैट की, तो दैट का यूज हम करते हैं लिविंग नॉन लिविंग दोनों के लिए कर पाते हैं, लिविंग के लिए भी और नॉन लिविंग के लिए भी, ठीक है, दोनों के लिए हम दैट का यूज कर पाते हैं। तो राइट आंसर विल बी फर्स्ट, लिविंग एंड नॉन लिविंग, दैट कैन बी यूज्ड विद लिविंग एंड नॉन लिविंग, गॉट इट। चलिए अब ये कॉमन एरर के कुछ क्वेश्चन आते हैं, आइए इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है, आप लोग आंसर बताने का कष्ट करेंगे, ठीक है, तो देखते हैं जरा। देखो नीदर ऑफ द थ्री बॉयज हैज कंप्लीटेड द वर्क, नीदर, अब देखो एक चीज मैंने आपको सिखाई थी कॉन्सेप्ट में, क्या सिखाया था सर, कि इधर और नीदर का यूज करते हैं हम सर कितने के लिए, दो के लिए, ठीक है, इन दोनों का यूज करते हैं हम सर दो के लिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसी तरीके से हम यूज करते एनी और नन, इन दोनों का यूज करते हैं सर हम दो से ज्यादा के लिए। तो जब हम दो की बात करेंगे तो यूज करेंगे सर इधर और नीदर, जब हम दो से ज्यादा की बात करेंगे तो यूज करेंगे सर एनी और नन। तो यहाँ पर नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं सर, तीन है, तीन है, तो यहाँ पर नीदर हटाएंगे, इसकी जगह क्या लगाएंगे सर, नन, तो नन आपका करेक्ट हो जाएगा और सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दे आर रिक्वेस्टेड, चलिए आंसर करिएगा इसका, आप लोग खुद से कोशिश करो भाई, आप लोग आंसर नहीं करते हो, आंसर करने की कोशिश करिएगा, जहां पर दिक्कत होती है मैं हेल्प करूंगा। ये क्या लिख रहा है, दे आर रिक्वेस्टेड टू डू वंस वर्क, अच्छा तो दे के अनुसार यहाँ पर पदस्यु लगाना चाहिए, दे का पदस्यु वंस नहीं होता है, दे का पदस्यु होता है सर क्या, देयर, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट जो जो इनकरेक्ट ऑप्शन है ए बी, ठीक है, सी डी, डी ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो इसको आपको ध्यान देना है। चलिए 12 हो गए, 13 क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, बहुत बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है, बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं। वन वन के केसेस लिख लो आप, बड़े आसानी से सॉल्व कर लोगे, वन सब्जेक्टिव, वन ऑब्जेक्टिव, वंस पजेसिव होता है, ठीक है, ये सब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव, और ये क्या होता है, ये सर होता है पजेसिव, ठीक है। तो आपको यहाँ पर वन सब्जेक्टिव लिखा है, सब्जेक्टिव है, तो इसका यहाँ पर पजेसिव इसने हिज लिखा है, इसका पजेसिव होना चाहिए क्या सर, वंस, गॉट इट, बताओ भाई समझ आ रही बात, यहाँ तक कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो अगले वाले पे आएंगे अगर, तो क्या लिख रहा है, ईच ऑफ द टू बॉयज, ठीक है, दो लड़के, दो में से किसी एक की बात कर रहा हैज पेड, उन्होंने पेड कर दी है, और क्या पेड कर दी है, हर स्कूल फी, यहाँ पर होना चाहिए हिज स्कूल फी। और देखो बॉय के लिए आप वैसे भी हिज का यूज करोगे, ही का यूज करोगे, तो उसका पजेसिव हिज आएगा, अगर यहाँ गर्ल्स की बात कर रहा होता तो फिर हम हर का यूज करते, बताओ भाई समझ आ रही बात। अगले क्वेश्चन में आते हैं, देखो इधर लगा रहा है शुरू में, अभी हम पढ़ करके आए थे कि इधर का यूज हम करते हैं दो के लिए। अब देखो इधर ऑफ द टू वाइव्स, भाई दो वाइव्स में किसी एक की बात कर रहे हैं ना, चलो इसके बाद क्या कह रहा है, इज डोमिनेटेड बाई देयर हस्बैंड, है ना, इन दो वाइब्स में एक ऐसी वाइब्स है जो डोमिनेट करती है अपने हस्बैंड के ऊपर, तो इसका मतलब है ये जो देयर लगा रहा है ये सर किसके लिए लगा रहा है, वाइफ के लिए लगा रहा है, और वाइफ के लिए लगा रहा है तो यहाँ पर लगना चाहिए सर हर,
ठीक है, गॉट इट। चल, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स हैव डन हिज वर्क। अब देखो, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स, जो कुछ भी करोगे, यहाँ दो सब्जेक्ट है, ये S1 है, ये S2 है। नॉट ओनली बट ऑल्सो में हमेशा बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार हम आगे सब कुछ करते हैं, तो यहाँ पर जो हैव लिख रहा है वो फ्रेंड्स के अनुसार लिख रहा है, यहाँ पर तो ये जो हिज लगा है ये फ्रेंड्स के अनुसार ही लगा है, तो इसको सही करो। और इसकी जगह क्या लिखोगे सर? दियर, THEIR, बताओ भाई, समझ आ रही बात? यहां तक कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। अब अगर क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान से समझोगे तो एक एक पॉइंट आपको समझ आ जाएगा। दिस केक, बिल्कुल सही है, इज मीन्ट फॉर लगा है प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस, यू ऑब्जेक्टिव केस है, एंड, और देखो ये ऑब्जेक्टिव है तो ये भी ऑब्जेक्टिव होगा, क्योंकि फॉर के बाद लिख रहे हो, फॉर के बाद लिख रहे हो, तो यहाँ पर आई की जगह क्या लिखना पड़ेगा? बी। और ऐसा क्यों किया? क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं। चलिए, आंसर नहीं कर रहे भाई, आप लोग आंसर करो और आंसर बताते हुए चलो आप साथ ही साथ, ठीक है। बहुत बढ़िया, यू आर डूइंग वेल भाई, सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। यू हैड ही मस्ट डू हिज ड्यूटी, यू हैड ही मस्ट डू हिज ड्यूटी। अब देखो यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यू हैड ही मस्ट, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है? नवीन सेंटेंस के टाइपिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे लग रही है, ठीक है। और यू ही मस्ट डू हिज ड्यूटी, ये सेंटेंस थोड़ा सा इनकरेक्ट है, ठीक है। चलिए इसको बाद में कंसीडर करते हैं हम इस क्वेश्चन को, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 19 क्वेश्चन क्या लिख रहा है, जरा ध्यान से देखेंगे और आंसर करेंगे इसका भी। ही इज द पर्सन, ही इज द पर्सन हुम आई फील विल चैलेंज योर अथॉरिटी, है ना। अब ये देखो जरा एक बार ध्यान से देखोगे, यहाँ पर ही इज द पर्सन, ये बिल्कुल सही लिखा है। और मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था क्या, कि हु सब्जेक्ट का काम करता है, हुम ऑब्जेक्ट का काम करता है। और यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो आई फियर अपने आप में कंप्लीट है, विल को चाहिए यहाँ पर, तो विल के लिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? हु के बाद सब, हु के बाद वर्ब और हु के बाद सब्जेक्ट का यूज करते हैं, ये भी मैंने आपको सिखाया था। क्वेश्चन नंबर 20, दिस इज द वर्स्ट, वर्स्ट कौन सी डिग्री है सर? सुपरलेटिव। और मैंने कहा था सुपरलेटिव डिग्री जब आएगी तो हम लोग कनेक्टर कौन सा लगाएंगे, वो रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा लगाएंगे सर? दैट, ठीक है। चलिए, तो ये और भी कई सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, ठीक है, दैट की, दैट से रिलेटेड जितने भी यूसेस थे वो हम लोगों ने डिस्कस किए हुए थे, अगर आपको पता होंगे तो, ठीक है। चलिए, फिलहाल इस सेशन को हम करते हैं यहाँ पर फिनिश, और मिलते हैं अगले सेशन में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ऐसे वैल्यूएबल सेशन, वैल्यूएबल प्रैक्टिस सेशन आपको लगातार मिलते रहेंगे। और बाकी अपने फ्रेंड्स को भी बताएं कि भाई इंग्लिश की क्लास आपकी 9 PM पर एवरी डे स्टार्ट हो गई है अगेन फिर से, और अब लगातार टेल एग्जाम तक हम लोग लगातार क्वेश्चन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी टॉपिक तो आप वो भी बता सकते हैं, कॉन्सेप्ट भी मैं पढ़ा दूंगा। चलिए, तो फिलहाल लेते हैं इस सेशन से इजाजत, थैंक यू क्लास।